हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को मेहर पोश ड्रामा की बिहाइंड द सीन की कुछ पिक्चर्स और वीडियोस दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको टाइम पे मिल सकें। अगर आप गौर करें तो आयजा खान का ड्रेस अली अब्बास के ड्रेस के साथ इतना ज़्यादा मैच नहीं कर रहा जितना उनका ड्रेस तैमूर के साथ मैच कर रहा है। यहाँ पर डायरेक्टर ने तैमूर को कोई और ड्रेस सेलेक्ट करवाया था, लेकिन तैमूर ने खुद स्पेशली ये ड्रेस बाय किया क्योंकि उन्होंने सोचा कि इस शूटिंग के दौरान उनके बच्चे तो होंगे नहीं, तो वो अपनी शादी की जो मेमोरी है उनको दोबारा से रिपीट कर लें। तो उन्होंने स्पेशली आयजा के ड्रेस के साथ अपनी शेरवानी मैच की। आप देख सकते हैं आयजा के जो ड्रेस है उसकी अपर बॉडी गोल्डन है और तैमूर ने अपनी शेरवानी में जो है गोल्डन कलर का काम बनवाया है। तो स्पेशली इन्होंने अपने फोटोशूट्स करवाने के लिए ये ड्रेस जो है एक दूसरे के साथ मैच किया। आयजा खान को अपने मेकअप से ज़्यादा अपने हेयर स्टाइल की फिक्र थी इस ड्रामे में कि कम से कम उनके हेयर स्टाइल जो है वो परफेक्ट रहें, और वो वैसे भी डायरेक्टर और मेकअप आर्टिस्ट को कह के सबका बार बार जो है वो मेकअप फिक्स करवाती रहती थी कि उन्हें था कि सब परफेक्शन से हो जाए। और जब इन ड्रामों में शादियां होती हैं तो आप देख सकते हैं वो बिल्कुल रियल शादियों की तरह फ़न करते हैं क्योंकि बिल्कुल माहौल उसी तरह का होता है, बल्कि सीन पे हमें जो है बल्कि ड्रामे में हमें इतना ज़्यादा फ़न नहीं दिख रहा होता जितना वो बिहाइंड द सीन फ़न करते हैं। आप देख सकते हैं आयजा खान किस तरह से बहुत ज़्यादा डांस कर रही हैं, सब बहुत ज़्यादा फ़न कर रहे हैं। इस ड्रामे में मेहंदी और शादी के जितने भी ड्रेसेस हैं वो सारे जो है सानिया सईद की चॉइस थी, क्योंकि आयजा खान ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारे जो शादी और मेहंदी के ड्रेसेस हैं वो आप खुद डिसाइड करें। तो फिर सानिया सईद ने जो मेहंदी की थीम है वो उन्होंने येलो सिलेक्ट की और शादी की मेहरून। रियल लाइफ में आयजा और दानिश का कपल बहुत ज़्यादा लविंग है, वो अक्सर ही जब भी बाहर भी कहीं जाते हैं तो उनको होता है कि ड्रेसेस जो है वो मैच पहने, वो एक दूसरे के ड्रेसेस को लेकर बहुत क्यूरियस हैं। आप देख सकते हैं शूटिंग के दौरान भी आयजा उनसे पूछती थी कि वो कौन से वाला ड्रेस पहने या कौन सा जो है वो ज्यादातर तैमूर से ही मशवरा लेती थी। आयजा खान को सब एक्सप्रेशन क्वीन भी कहते हैं। आप ये देखें, ये सेम सीन है और इसमें इन्होंने 5 डिफरेंट तरह के एक्सप्रेशन जो है वो दिए हैं। इस तरह से वो अपने फैंस के लिए टिकटॉक की वीडियोस भी बनाती हैं, उसमें भी वो बहुत प्यारे जो पोज हैं वो देती हैं। वो बहुत ज़्यादा ब्राइडल शूट्स भी कर चुकी हैं, तो इस ड्रामे के लिए उन्हें खास परेशानी नहीं हुई क्योंकि उन्हें ऑलरेडी प्रैक्टिस थी काफ़ी ब्राइडल शूट्स की। आयजा खान पाकिस्तानी इंडस्ट्री की उन आर्टिस्ट में से हैं जो कभी भी अपने शूट पे लेट नहीं हुई। इवन उन्होंने तैमूर को भी कभी लेट नहीं होने दिया, वो अपने घर को उन्होंने बहुत ऑर्गेनाइज रखा हुआ है, सब वो बहुत पंक्चुअलिटी से काम करती हैं। उनके डायरेक्टर और राइटर इवन कैमरामैन सब उनसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं क्योंकि वो अपने काम को लेकर बहुत सीरियस हैं और एक्स्ट्रा प्रोफेशनल हैं। ये स्केच उनके एक फ़ैन ने बनाया है और अगर उनके फ़ैन जो हैं वो उनको किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ डेडिकेट करते हैं तो वो उनको ज़रूर अप्रिशिएट करती हैं, अपने सोशल मीडिया पे वो उस चीज़ की ज़रूर पिक्चर्स या वीडियोस या जो भी वो भेजते हैं वो ज़रूर शेयर करती हैं। और अगर आप भी उनको कुछ डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप लोग उनके इंस्टा और उनके फेसबुक के अकाउंट पर उनको मैसेज कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।